हमारा रिश्तेदार है वजीर आलम। उसके बेचारे का खुद का कोई नहीं, इस्लामाबाद बाहर नहीं निकल सकता, वो आपका वजीर आजम। वजीर आजम तो है ना, उसको कौन दो फुट वजीर आजम मानता। बात तो सही है। नहीं उसका कद दो फुट तो नहीं है ना, ये तो आप व्यती कर रही है ना, ये तो ऐसा तो ना करे ना। इतना सही है बस, डिग्गी में छुप जाता है कितना बड़ा होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो डिग्गी में छुपने से कद छोटा हो जाता है। आप आएंगे डिग्गी में पूरे? हाँ मैं आ जाऊंगा। आप तो पटवारी, आप आ ही जाएंगे। तो आज तक बचपन में कभी आप डिग्गी में नहीं बैठी? हम ऐसे करतूते करते नहीं, डिग्गियों में छुपना पड़े। हाय हाय। अच्छा किसी ने पीछे से बोला है कि अमीर लोग कुत्ते बिठाते हैं डिग्गियों में। हाँ तो वो भी बूट वालों का कुत्ता ही है ना बेचारा। कौन से बूट वाला? बूट तो मैंने भी पहने हुए हैं। वो जो 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 पूरे मुल्क के मालिक है ना, उनका कुत्ता ही रखा हुआ उन्होंने। वो डिग्गी में छुप छुप के वो ही चाटने जाता था, आपको नहीं पता था? नहीं वो डिग्गी में छुप के आपके घर तो जाता नहीं, वहीं जाता था ना। दीदी वाह दीदी, अजीब बातें कर रहे हैं आप। मेरे घर मरियम थोड़ी रहती है जो मिलने आएगा। आपका दिल तो बहुत है उसको अपने घर रखने का, मगर वो लंदन में रहती है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं भाई, वो मेरी नानी क्यों घर खरीदे? हो सकता है मैं आपको चोर नजर आता हूँ। नहीं आपकी लीडर तो है ना। नहीं लंदन में तो चोर ही घर खरीद सकते हैं, हम जैसा गरीब नहीं खरीद सकते। ऐसा ही है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।